छतरपुर जिले के तीन चंदोबरिया के पास एक अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी, जहां हादसे के बाद घायल युवक का 4 दिन जिला अस्पताल में चले इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सोमवार को गुस्साए परिजन बिजावर थाने पहुंचे और शव रख कर हंगामा करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेने की मांग की है। दरअसल घटना 4 दिन पहले बिजावर थाना क्षेत्र के तीन चंदोबरिया के पास की है, जहां पैदल जा रहे ज्ञानी तनय राजेंद्र संसिया उम्र 26 वर्ष को पीछे से आ रहे अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी। वहीं घटना के बाद परिजनों ने घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छतरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहाँ करीब 4 दिन चले इलाज के बाद सोमवार को युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव लेकर थाने पहुंचे और हंगामा करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेने की मांग की। हालांकि बिजावर थाना प्रभारी RS उपाध्याय के द्वारा आरोपियों पर FIR दर्ज करने के साथ ही जल्द पकड़ने के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। ये एक ज्ञानी बढ़िया करके व्यक्ति था, जिसकी कि 22 तारीख को मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट में घायल हुआ था और इसके बाद ये जिला अस्पताल में इलाज कराता था। बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज हुआ और बाद में इसकी मौत होने पे इसके परिजन इसे इसकी बॉडी को लेके वहाँ बिजावर थाने गए थे, जहाँ तत्काल 304A की भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जो बाइक चालक था उसकी आज गिरफ्तारी हो जाएगी। छतरपुर के लिए ग्वालियर से MP हेड इमरान खान की रिपोर्ट।